की मुबारक मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद अनवर ने हिंदुस्तान वासियों से अपील की है, ईद चाहे शनिवार की हो या जुमे की, मुस्लिम भाई अमन अमान के साथ मनाए। सभी हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम भाई भी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को कायम रखें, सब मिलजुल कर ईद मनाएं। मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मुबारक मौके पर हिंदुस्तान वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ी नीचे ईद के मुबारक मौके पर एक ही बात कहना चाहेंगे जो इंशाल्लाह सभी लोग कहते हैं, आज 27वां रोज़ा है, कहीं 26वां रोज़ा है, और ईद जुमे की भी हो सकती है और शनिचर की भी हो सकती है, तो अल्लाह के हाथ में ही है। लेकिन एक ही तमास करेंगे हम अहले वतन से भी और मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से भी कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक बनाए रखें और कोई किसी किस्म का मजाक ना बने कि दीन का मजाक उड़े या वो हो, तो इस तरीके से सब मिलजुल कर ही साथ करें और एक दूसरे की बात को अगर समझेंगे और मानेंगे तो सही है, क्योंकि चांसेस जुमे के भी हैं और चांसेस शनिचर के भी हैं, आगे ये सब अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि सऊदी अरब और अरेबियन ममालिक में और मलेशिया ईस्टर्न इलाकों में तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी, जो रात मेरे पास व्हाट्सएप की पोस्ट आई थी कि वहाँ पर जुमतुल मुबारक के दिन ईद है। अब हमारे यहाँ भी 29 रोज़े जो हैं 29 जुमेरात के दिन पूरे हो रहे हैं, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो और चांद साफ नज़र आ गया तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी ईद होगी 29 की, और नहीं आया तो इंशाल्लाह जहाँ 29 रोज़े रखे हैं वहाँ 30 सही, लेकिन सब अमन अमान रहे, अल्लाह ताला अपना फजल व करम फरमाए और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है कि कड़ी नज़र लगाए रखें ताकि किसी किस्म का भी कोई इंतशार ना फैले कहीं। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद अनवर, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रीज मुरादाबाद।